going. Go on. हाय फ्रेंड्स, मैं हूं दीपंकर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पैरोट दीपंकर। और मैं दीपंकर करता हूं आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पैरोट दीपंकर में बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, आज संडे है, आज छुट्टी का दिन है, मतलब हर संडे को मैं मेरा बार्ड ब्रीडिंग फार्म में आता हूं, क्योंकि इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा वक्त देता था मेरा बार्ड्स या पैरट्स के लिए। अभी मेरा जो फैमिली बिजनेस है उनमें पूरा इन्वॉल्व हो चुका हूं, पूरा दिन वहीं वक्त देना पड़ता है, इसलिए बहुत ही कम वक्त मिलता है बार्ड फार्म में आने के लिए। तो संडे छुट्टी का दिन होता है, मैं पूरा दिन यहाँ बिताता हूँ इन लोगों के साथ। तो और संडे को मैं जो करता हूँ, हर केज के अंदर जाके या केज के पास खड़ा रह के मेरा बार्ड्स को बहुत अच्छी तरीके से करीब से देखता हूँ, मतलब टाइम देके 5-10 मिनट देके, ताकि अगर उन लोगों का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो मैं मतलब उन लोगों का फर्स्ट स्टेज में हम उसको समझ ले और सही तरीके से ट्रीटमेंट करें। तो इसलिए मैं संडे का दिन पूरा यह बिताता हूँ। और यहाँ एक छोटा सा बात मैं कह देना चाहूँगा, ये जो बार्ड्स या पैरट्स होता है, इन लोगों का जब फर्स्ट स्टेज में कोई बीमारी आता है तो एक किसी दूसरे को, मतलब किसी इंसान को भी नहीं या दूसरे किसी बार्ड्स या पैरट्स को कभी भी ये समझने नहीं देता है कि वो बीमार है। तो ये इन लोगों का मतलब नेचुरल है, ये लोग ऐसे ही इन लोगों का कैरेक्टर है कि ये किसी को समझने नहीं देगा। क्योंकि अगर कोई बार्ड्स या पैरट्स बीमार है और दूसरा बार्ड्स वो समझ जाता है, तभी वो लोग उनको बहुत परेशान करता है, ऐसे कि मतलब वो जो बीमार है उनको कभी कभी मार भी सकते हैं। तो इसलिए ये लोग छुपा के रखना चाहते हैं हमेशा इन लोगों का बीमारी को। तो लास्ट स्टेज में हम लोगों को पता चलता है कि ये, हाँ ये बीमार है। लेकिन लास्ट स्टेज में हम लोगों को जब पता चलेगा कि ये बार्ड्स या पैरट्स बीमार हो गया है, तभी उनको ट्रीटमेंट करके फुल क्योर करना बहुत ही मुश्किल की बात हो जाता है। अगर फर्स्ट स्टेज में हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ मेरा ये बार्ड्स या पैरट्स मतलब बीमार हो रहा है, तभी तो मतलब बहुत आसान हो जाता है इन लोगों को मतलब केयर करना। तो इसलिए मैं हर संडे को आता हूँ और आज भी आया हूँ, और देखेंगे एक एक केज के पास जाके खड़ा रह के करीब से देखेंगे, और सोचा कि इसका एक वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो चलिए देखते हैं, और अगर किसी का कोई प्रॉब्लम रहेगा तो उसका जो फास्ट ट्रीटमेंट होता है वो भी करेंगे और उसका वीडियो शूट करके आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं। इन लोगों का एज अभी ज़्यादा नहीं है, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये नेस्ट बॉक्स से निकाल के मेरा मतलब घर में ले जाके हैंड फीडिंग करवा के थोड़ा बड़े हो गया। अभी करीब 3.5-4 महीना इन लोगों का एज होगा। तो बहुत प्यारा है, बहुत मतलब, और ये अफ्रीकन ग्रेज हमेशा से बहुत ही प्लेफुल होता है, आप इन लोगों का साथ कभी भी बोर मतलब नहीं होंगे, ये आप लोगों को बोर होने ही नहीं देगा, इतना प्लेफुल है ये सारे। ठीक है ठीक है ठीक है, कम ऑन कर रहा हूँ अभी, तब वक्त लगेगा। ये अभी इन लोगों का पहला दिन है, और अफ्रीकन ग्रे पैरट बहुत ही जल्दी ट्रेंड हो जाता है, मतलब इन लोगों का ब्रेन बहुत ही शार्प होता है, इसलिए ठीक है ये बहुत मतलब टॉकिंग करने में भी बहुत ही फास्ट है और ट्रेंड होने में भी बहुत फास्ट है, बहुत अच्छा ट्रेंड होता है। देखिए आज इन लोगों का फर्स्ट डे है, चलो जाओ। और ये आज इन लोगों का फर्स्ट डे है, फिर भी देखिए
थोड़ा वक्त लेगा. कम ऑन, कम 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 ऑन, कम कम. गुड. Okay, go, go. Go on. Come on, baby. Come on. Come on. दे रहा हूँ, पहले उनको आने दो. और ये जो मेरा है ये ब्लू गोल्ड है, ये फीमेल है. और ये जो है रेड ग्रीन, ग्रीन विंग्ड भी हम लोग कहते हैं, ये मेल है. और ये जो मेल है ये फुल्ली एडल्ट है. और ये जो फीमेल है इसका उम्र अभी थोड़ा कम है. अभी भी इसका आँख, मतलब आँखें देख के हमको ऐसे लगता है कि मतलब अभी भी 2 साल या 3 साल लग जाएगा. तो मैं अगर इन दोनों का जो ब्रीड मिलेगा हमको, वो हार्लेक्विन कहते हैं और बहुत ही खूबसूरत होता है वो. तो फिलहाल अभी तो वेट करना है हमको, बहुत ज़्यादा वेट करना है. बाय बाय. नहीं और नहीं, बाय बाय. फ्रेंड्स, यहाँ मेरा एक मॉन्ग पैराकिट है. ये मॉन्ग पैराकिट का फीमेल है. एक्चुअली ये मॉन्ग पैराकिट का पैर में थोड़ा प्रॉब्लम है. एक्चुअली इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया. देखिए यहाँ मेरा सीवियर मैकाओ का एक पेयर रखे है हमने, एडल्ट पेयर. आप लोग शायद इसको देख पा रहे हैं. और ये भी सेमी टेम पैरट है, लेकिन वो मॉन्ग पैराकिट मतलब गलती से उड़ के आके यहाँ एक बार बैठ गया था. एक बार नहीं, कभी कभी बैठता था. तो वो लोग उसका पैर को पूरी तरह से, मतलब एक उंगली को पूरा काट दिया और मतलब दूसरे में बहुत ही गहरा जख्म पहुँचा दिया. तो वो अभी उसका पैर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत दर्द है. मैंने 3 दिन से ट्रीटमेंट कर रहा हूँ. आज फिर से एक बार मतलब उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा. तो चलिए कर लेते हैं और उसके बाद दूसरा केज में जाएंगे. पहले इसको हम लोगों ने पकड़ लिया. और यहाँ जो देख रहे हैं ये बेटाडाइन, मतलब इसका पैर देखिए बहुत बुरी तरीके से काट दिया वो सीवियर मैकाओ ने. पहले और भी बहुत ख़राब था, अभी तो थोड़ा बहुत मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है.
ठीक है। और आज एक बार बेटाडाइन लगा देते हैं, और ये है बेटाडाइन। और इसका प्राइस है लगभग 71 रुपीज़। ठीक है, तो जो भी है और ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं, मतलब घाव का ऊपर। तो अभी लगा देते हैं थोड़ा सा। बस अभी हम लोगों ने लोशन लगा दिया। डेटल यूज़ करने से बहुत जलन होता है, लेकिन इसमें कोई जलन नहीं होता। और ये बहुत अच्छा एक एंटीसेप्टिक के काम करता है। और उसके साथ उसके बाद ये यूटी बेड हम लोग लगा देंगे, ताकि ये जो घाव है ये बहुत जल्दी ठीक हो जाए। आस्ते आस्ते देखो, और अभी हम लोग इसे फिर से छोड़ देंगे। और यही दोनों, मतलब वो मॉन्ग पैराकिट का पैर को चोट पहुंचाया। हमको भी थोड़ा थोड़ा डर लगता है इससे। ये मतलब काटने में इन लोगों को बहुत मज़ा आता है। और ये दोनों अभी फुल एडल्ट हो गया है। देखते हैं कब तक इन लोगों का रिज़ल्ट मिलता है। अभी तक तो हमारा अभी तक तो हमको इन लोगों का रिज़ल्ट, कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिला। तो फ़िलहाल उम्मीद करता हूँ इस साल, क्योंकि आँखों को, मतलब इन लोगों का जो आँखों है, आँखें को देख के हमको मतलब ऐसे लग रहा है कि ये अभी फुल एडल्ट हो चुका है। क्योंकि देखिए वो जो ब्लैक आईबॉल है, उसका चारों तरफ ऑरेंजेस का ग्लो आ गया है। पूरा ऑरेंज हो गया है, देखिए। तो अभी ये पूरा एडल्ट हो गया है हमारा हिसाब से। तो देखते हैं इस साल मिलते हैं या अगले साल। और फ्रेंड्स, यहाँ मेरा कुछ कॉर्नियर पैरट्स है और एक कॉकाटू भी है, लेकिन मैंने दूसरा केज दिया था यहाँ, मतलब इस साइड मैंने कॉर्नियर, सारे कॉर्नियर पैरट्स को रखा था। ऊपर एक छोटा सा होल था जहाँ से पूरा सारा मेरा जो कॉर्नियर्स है, पाइन एप्पल कॉर्नियर, ग्रीन चिक कॉर्नियर वगैरह, वो सारे मतलब यहाँ आ चुके हैं। और अभी एक काकाटू और कॉर्नियर्स वगैरह एक साथ मिलके ही रह रहा है। अभी फ़िलहाल इसका फेम, ये जो काकाटू है, अम्ब्रेला काकाटू, इसका फीमेल मेरे पास अभी नहीं है, तो वो आने वाला है अगला हफ्ता। तो जब तक ना आए तब तक मैंने सोचा कि रहने देते हैं। पहले सोचा था कि थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मार भी सकते हैं, लेकिन बाद में देखा ये मिलजुल के बहुत प्यार से रह रहे हैं। तो